ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ कि यह कॉन्फ्रेंस एक नवीं पैड़ा छड़ेगी, क्योंकि जिन्ना इकट्ठ इस कॉन्फ्रेंस विच होया है उन्ना इकट्ठ घट ही देखने नु मिलता है। उन्हें कहा कि उन्हें दी यूनिवर्सिटी दे फिजियोथेरेपी विभाग वालों समय समय से वक् वक् पिंडा ते शहरां अते यूनिवर्सिटियां विच कैंप लगाए जाते ने, जिस नाल लोगों नु राहत मिलती है। खाण पीण दे तरीके बदलण दे नाल लोगों दे जोड़ां विच दर्द होने कारण फिजियोथेरेपी दा चलन बढ़ गया है। उन्हें कहा कि इस समस्या दे हल लई फिजियोथेरेपी तो वधिया कोई इलाज नहीं, क्योंकि फिजियोथेरेपी नाल बिना दवाई तो इलाज हो जाता है। इस मौके यूनिवर्सिटी के फिजियोथेरेपी विभाग के इंचार्ज डॉक्टर पंकजप्रीत सिंह ने कहा कि यूनिवर्सिटी विच हुई राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस दे विच दूर दूर तो कॉलेज ते यूनिवर्सिटी दे अध्यापकां अते विद्यार्थियों ने भाग लिया है। गुरु नानक देव जी नूं समर्पित यह समागम करवाया गया है। उन्हें दस्सिया कि उन्हां वल्लों सोमवार तो शुक्रवार फ्री ओपीडी लगाई जाती है। यूनिवर्सिटी के फिजियोथेरेपी विभाग वालों एक दिन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस काउंटरएक्टिंग पेन थ्रू फिजियोथेरेपी का आयोजन किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में 325 तो भी वध डेलीगेट्स ने रजिस्टर किया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के जोड़े बुलारे आड़े देश ने जीडिया बहुत ही वधिया उच्च कोटि संस्थावान हम जिमें कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिज दिल्ली, PGI, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसिज, CMC लुधियाना, DMC लुधियाना, तो होर जो नेड़े साढ़े यूनिवर्सिटियां हैं, ईवन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो जां चितकारा यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन्हां सारे यूनिवर्सिटियां तो विद्यार्थी ते अध्यापक इस कॉन्फ्रेंस दे विच भाग लै रहे हैं। बहुत ही उच्च कोटि दीआं जिहड़ियां डिस्कशनस आ इस कॉन्फ्रेंस दे विच होईआं हन, ते इह कॉन्फ्रेंस एक नवीं पैड़ां छड़दी हुई समाप्त होवेगी। मेरा ख्याल आ किसी भी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस दे विच इन्नी उच्च पद्धरी बुलारे जिहड़े आ उह शिरकत नहीं करदे जिन्ने इस कॉन्फ्रेंस दे विच कीते आ, और बहुत ही सफलतापूर्वक जिहड़ी इह कॉन्फ्रेंस जिहड़ी आ आयोजित होई आ। इस लई मैं अपने फिजियोथेरेपी विभाग को बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ, क्योंकि साढ़े ये जिहड़ा विभाग है ये समय समय से वक् वक् पिंडां वक् वक् शहरां विच जाके जां यूनिवर्सिटी विखे फिजियोथेरेपी के कैंप लगाउंदा रहिंदा है, जिस दे नाल बहुत ही लोगों को राहत मिलती है। तो इस कारण बहुत दूर दूर तो लोग साढ़े जिहड़ी OPD आ विभाग वालों रोज़ फ्री चलाई जाती है, उहदे विच भी 60 to 80 पेशेंट्स जिहड़े रोज़ आ उह विभाग वालों देखे जाते हैं। फिजियोथेरेपी का जो है चलन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि साडा लाइफ स्टाइल चेंज होने के नाल जां खाण पीण का स्टाइल चेंज होने के नाल साडे च जिहड़ी जोड़ां दीआं समस्यावां आ बहुत ज़्यादा आ रही आ। तो इस समस्यावां दे हल लई फिजियोथेरेपी तो वधिया कोई इलाज नहीं, जिथे बिना दवाई तो इलाज हो जाता है। तो मैं समझदा हाँ कि इहदे नाल साडे जिहड़े बजुर्ग आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ 'ਤੇ ਸੀ, ਕਾਉਂਟਰੈਕਟਿੰਗ ਪੇਨ ਥਰੂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਾਲਜਿਸ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, PGI, AIIMS ਦਿੱਲੀ, ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ 2 ਬੈਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ OPD ਸੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਟਵਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।